कि हमारे राम भाई ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है कि हम कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं एक्चुअली, सब कुछ सारे फिल्म स्टारों ने, सारे गेस्टों ने कह दिया है। अब तो सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को आप सबके द्वारा, आप सबके ज़रिए ये सक्सेस हुआ और हम इस मुकाम तक इस फेस्टिवल को लेकर आ पाए। इसके पीछे सबसे जो बड़ा हाथ है वो नास काजी जी का है। जो नास काजी जी बेसिकली एक फिल्म डायरेक्टर हैं और ज़ीमा से पास आउट हैं, मास मीडिया का पूरा कोर्स किया हुआ है। नास काजी जी अगर ये फेस्टिवल मेरे साथ फेस्टिवल डायरेक्टर नहीं होती तो ये कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल शायद मैं यहाँ तक लेकर आ पाता आप सब तक। और सबसे खुशी की बात ये लगी मुझे कि पूरे हिंदुस्तान से फेस्टिवल में फिल्में आई, हर लैंग्वेज में फिल्में आई, हर तरह की कंटेंट्स थी जो कि नाज ने बहुत बारीकी से उनको मार्किंग किया, उसको मार्क्स देते हुए आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया इस फेस्टिवल को, ताकि हम देश से जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको एक ट्रॉफी की तरह से सम्मान करें, ट्रॉफी देके सम्मान करें, जो उनको एक हौसला देता है और आगे बढ़ने का। तो कोई भी शॉर्ट फिल्म हमारे लिए ऐसी नहीं थी कि हमारे लिए बुरी थी, हर एक शॉर्ट फिल्म का एक अपना अलग नज़रिया था, एक अलग कंटेंट था, ताकि वो हमें अपनी कहीं ना कहीं कहानी से बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये हमारा मैसेज है, वो कह रहा हमें ये हमारा मैसेज है। जिसमें सबसे जो बेस्ट फिल्म को अवार्ड जो दिया गया है वो अंतर फिल्म, जो मराठी फिल्म है और वो महाराष्ट्र से थी। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह से इंस्पायर जो होते हैं हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स दूसरे को सम्मान लेते हुए देखे, तो वो भी इस सम्मान का पात्र बने, वो भी इस फेस्टिवल से जुड़ते रहें। और इस फेस्टिवल्स की जो खासियत है वो है हमारा कल्चर है। जो आपने कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का देखा होगा, का से कलाकार होता है और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल तीनों इंग्लिश वर्ड है, अल्फाबेट जो इंग्लिश के हैं वो। तो मैंने कल्चर को पकड़ के चला इस फेस्टिवल को सोचने के लिए, इस फेस्टिवल को लाने के लिए, इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है। बाकी नास काजी जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे फेस्टिवल के बारे में। ये जो टाइटल है ये जहन किसके आया है? ये टाइटल और ये जो सोच है वो जहन में आई थी इस फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर मिस्टर अजहर हुसैन सर के, जो उन्होंने 3 साल पहले एक सोच जो सोचा था और उस सोच को सच करने के लिए जो भी उनके सफ़र में मैंने उनका साथ दिया, एक्चुअली इनसे बहुत कुछ इस सफ़र में सीखा है। वो इतना पैशनेटली अपनी सोच को सच तक पहुंचाने के लिए जिस तरीके से काम करते हैं, तो ये हमने एक टीम वर्क मिलकर इसको यहाँ तक पहुंचाया है। और रहा सवाल फिल्मों का, तो ऑल ओवर इंडिया से ये जो फिल्में आई है तो इतना हमारे लिए टास्क बढ़ गया था कि सब एक से बढ़कर एक, हम कन्फ्यूज थे कि बेस्ट फिल्म किसे दें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होना ही था। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो दूसरी फिल्में हैं वो उनसे कम है या फिर कहीं वीक है, नहीं ऐसा नहीं, सभी उल्टा इन सब फिल्मों से हमने बहुत कुछ सीखा है। और मैं इन सबको थैंक यू सो मच भी कहूँगी पूरी टीम के SFF की तरफ से कि उन्होंने हम पर भरोसा किया, हमारे साथ जुड़े और हम सब एक कारवा बन के आगे तक, बहुत आगे तक साथ चलेंगे। इसी तरह अपना साथ हर सीजन में हमारे साथ बनाए रखें। और मैं शुक्र, मतलब मैं एक वो नहीं हूँ कि मैं किसी का शुक्र अदा ना करूँ इस फेस्टिवल को करने में। इस फेस्टिवल को करने में जो सबसे ज़्यादा नास का साथ रहा है, उसी तरह से मेरे टीम में शब्बीर जी का बड़ा बहुत मुख्य, मतलब कि सेंटर जो करेक्टर कहते हैं ना इस फेस्टिवल को करने में, जो उनका अहम रोल रहा है शब्बीर शेख जी और साथ ही साथ उनके बेटे जुबेर शेख जी का, क्योंकि ये उनका साथ अगर नहीं होता तो ये शायद ये फेस्टिवल आज 26 तारीख को नहीं हो रहा होता मुंबई में। और दूसरी बात, राजकुमार तिवारी जी मुंबई ग्लोबल न्यूज़पेपर के ग्रुप एडिटर यानी कि मेन फाउंडर हैं, उनका भी साथ मुझे बहुत अच्छा मिला। और मेरी टीम मोहित गुप्ता, मेरी टीम शाहिद खान साहब, मेरी टीम सूफियान कपाड़िया, और ये सब लोगों का जो साथ जब मेरे साथ जुड़ा, तो राम मैं आपको क्या बताऊँ कि आज ऐसा लगा कि शायद मैं एक कामयाबी की तरफ एक स्टेप में आगे आज आया हूँ, ऐसा मुझे लगा। और लोगों ने जो भरोसा दिखाया, जो कि आज जो है शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल थी, तो काफ़ी अच्छी फिल्में इन्होंने सिलेक्ट की हुई हैं। एक फिल्म हमने देखी अंतर, जिसमें जो है गांव और में जो है सुविधा नहीं होती है, उस पर बनाया गया था कि अगर सुविधा नहीं होती गाँव में तो जो है गांव से शहर का डिस्टेंस जो है अंतर वो बहुत ज़्यादा है, और उस सुविधा में जो है ज़िंदगी और मौत का जो है अंतर वो बहुत कम हो जाता है अगर
जो है सुविधा नहीं होगी, तो इस पर था। और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे हमको नवाजा गया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं इनका, अजहर भाई का जो है बस अजहर जी जो है ये नया प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और बहुत चीज़ें जो है हिंदुस्तान के कोने कोने से इनके पास फिल्में आई हैं और इन्होंने काफ़ी उनको सपोर्ट किया है और हर आदमी को जो है सपोर्ट किया हुआ है। ऐसे ही करते रहे ताकि जो है हिंदुस्तान में जो है टैलेंट उभर कर आए और जो है इस सपनों की नगरी में अपना भी एक मुकाम बनाए। सर जी ने एक बहुत ही शानदार आयोजन किया है, एक अच्छी सोच है और एक बहुत शानदार आयोजन है जिसमें पूरे देश भर से 100 शॉर्ट फिल्में आई हैं। ये शॉर्ट फिल्में जो है ना बड़े पर्दे की जो फिल्में हैं लॉन्ग ड्यूरेशन की, उसकी एक शुरुआत होती है। अच्छे अच्छों को एक्टिंग का मंच नहीं मिलता, लेकिन लोगों ने जितनी मेहनत करके इसमें पार्टिसिपेट किया, एक से बढ़कर फिल्में लाई हैं, वो बहुत प्रशंसनीय हैं। और यह कहना बहुत मुश्किल हो गया कि किसने अच्छी एक्टिंग की है, किसकी कहानी अच्छी है, किसका फिर मांग अच्छा, एक से एक थीम, एक से एक काम देखने को मिले, बहुत सुकून देता है, बहुत मजा आता है। इसके लिए तो बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी लिमिट में ही बोल पाऊंगी। मैं ये बोलूँगी कि ऐसे फिल्म फेस्टिवल बिल्कुल आने चाहिए। और इनके फिल्म फेस्टिवल की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इन्होंने कोई बहुत मोटी रकम नहीं वसूली है डायरेक्टर से, 75 रुपीस इन्होंने फीस लिए हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल बड़ी बात है। क्योंकि जो फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं या चल रहे हैं मोस्टली, उनमें बहुत ज़्यादा फिल्म की जो फीस होती है 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जो नए नए बच्चे हैं जो मतलब जिनके घर से उनको पैसे नहीं मिल सकते और उनको भी टैलेंट है उनके अंदर, तो उनके लिए तो एक फिल्म बनाना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और उसके बाद उस पर से वो 5,000, 4,000 रुपये वो लगा के फिल्म फेस्टिवल्स में सबमिट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए तो ये एक मैं बोलूँगी कि वरदान से कम नहीं है ये कलाकार फिल्म फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल बाकी तो आएंगे, वो क्या करेंगे उनके टर्म कंडीशन होंगे, बट अजहर हुसैन का जो ये कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही हिट है, सुपर हिट है, और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है और आगे भी होगा ऐसी मेरी। कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका आ रहा है? मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी? यस सर, सो कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छे से फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया। एंड उनका लाइक बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल होते हैं अलग अलग, सबके अलग अलग क्राइटेरिया होती हैं, अलग अलग चीज़ें। कलाकार फिल्म फेस्टिवल ने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म हमने देखी, डिफरेंट लैंग्वेजेस, टाइम लिमिट, उनका क्राइटेरिया बहुत अच्छा था। मतलब हर टाइप की शॉर्ट फिल्म के लिए उसमें जगह थी और हर वेराइटी की शॉर्ट फिल्में हैं, इट्स नहीं कि एक ही टाइप की आपको शॉर्ट फिल्म देखने के लिए मिलेगी। मैंने भी इसमें अपनी शॉर्ट फिल्म दी है, इट्स वैलेंटाइन। सो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा रिस्पांस था। एंड मैं आशा करती हूँ कलाकार फिल्म फेस्टिवल इस तरह हर साल फेस्टिवल कराते रहें, अजहर और नाज मिलके, और हम लोग को मौका मिलता रहे अपनी फिल्म यहाँ। मेरा पहला ये शो था जो मैंने अटेंड किया और मुझे पता भी नहीं था कि शॉर्ट फिल्म के लिए भी कोई अवार्ड शो होता है, तो बहुत अच्छा लगा। और सौरभ को ये मिला तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने पहली बार सौरभ के साथ ये शो अटेंड किया और मिले भी हम पहली बार यहीं पे थे। सौरभ क्या कुछ कहना चाहोगे, आज सम्मान मिला है, एक सम्मान बहुत बड़ी बात हो जाती है, और क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अजहर जी को, अजहर भाई को, हमारे बड़े भाई हैं और इन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो हमारे जो भी छोटे छोटे कलाकार हैं, जो भी अपने जिनको स्टेज नहीं मिल पाता है, अपनी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें हमने भी एक अपनी शॉर्ट फिल्म इसमें भेजी थी, तो इसमें हमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। सुनील सर थे, सुनील सर जी बहुत सारी चीज़ें बताएं तुम्हारे बारे में, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनील पाल जी के साथ में मैं क्या ही कहूँ, उनका तो मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और उनके साथ जुड़ा हूँ, कई सारे प्रोजेक्ट उनके साथ में किए हैं और आई होप इस तरह से आगे और भी प्रोजेक्ट करते रहेंगे।